नमस्कार, स्वागत है सभी किसान भाइयों को। आज हम लोग एक स्कॉट कंपनी के पावर टैक ट्रैक्टर यूरो मॉडल के हाइड्रोलिक डिस्ट्रीब्यूटर के सेटिंग के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि पहले पावर टैक ट्रैक्टर में 3 लीवर्स हाइड्रोलिक्स आते थे, लेकिन अभी कंपनी ने न्यू मॉडल लॉन्च किया है, न्यू हाइड्रोलिक्स मॉडिफाइव किया है, जिसमें 2 लीवर्स हाइड्रोलिक सेटिंग दिए हैं। तो आज हम उसी 2 लीवर हाइड्रोलिक सेटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में जानेंगे। उसी का आज डिस्ट्रीब्यूटर को हम डिसेबलिंग किया है और उसका सेटिंग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उसका बहुत ही आसानी से और इजीली उसका सेटिंग हो जाता है, उसमें भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आता है सेटिंग करने में। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2 लीवर्स न्यू हाइड्रोलिक्स डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग के बारे में जानेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लें। पावर ट्रक ट्रैक्टर 439 मॉडल 2 लीवर हाइड्रोलिक्स का ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो हमने इसके तीनों बल्बों को एक एक करके बाहर निकाला है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर से, लेकिन इसके बल्ब 3 सीट जो लगे हैं ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में, इस सीटों को हमने बाहर डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं निकाला है। तो हम आज इस तीनों बल्बों को इस डिस्ट्रीब्यूटर में सेट करेंगे और इसमें टोटल इस मॉडल में 439 मॉडल में टोटल 6 बल्ब लगे होते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में 3 ही बल्ब लगे हैं और बाकी के 3 बल्ब डिस्ट्रीब्यूटर से अलग रूट में लगे होते हैं। चेक बल्ब और प्रेशर रिलीफ बल्ब हाइड्रोलिक हाउसिंग के ऑयल गैलरी के पास लगा होता है और सिलेंडर सेफ्टी बल्ब लाइनर सिलेंडर के ऊपर में लगा होता है। तो इस तरह से हम एक एक करके तीनों बल्बों को इसके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में सेट करेंगे बारी बारी से। तो ये मेन कंट्रोल बल्ब और इसके साथ में एक ये स्प्रिंग और एक प्लेट, एक साथ में ये तीनों आपस में सेट होता है। और दूसरा ये फेदरिंग बल्ब, इसके साथ ये स्प्रिंग, ये फेदरिंग बल्ब है और इसके साथ में एक स्प्रिंग जो ये इस तरह से इसके साथ सेट होता है, और एक एक कैप और एक और कैप जो कि आगे की ओर इस तरह से बैठता है। और ये फेदरिंग बल्ब इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में सेट होता है। और थर्ड नंबर में अनलोड बल्ब है, जो कि ये अनलोड बल्ब इसका नाम है, और इसके साथ एक स्प्रिंग, ये भी इस तरह से इसके अंदर बैठता है, और एक कैप, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में सेट होता है। तो हम तीनों को बारी बारी से एक एक करके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में इसे बैठाएंगे अपने सीटों में। तो सबसे पहले हम मेन कंट्रोल बल्ब को इसे प्लेट से, इसके प्लेट से सेट कर लेंगे, क्योंकि इसके प्लेट में एक घाट बना होता है, उस घाट में स्प्रिंग को बैठाना होता है। और ये स्प्रिंग भी कुछ इस तरह से टेपर होता है, इसका टेम्पर ज़्यादा है, टाइट होता है, तो इसे भी हमें पुश करके अच्छे से बैठाना होगा। तो पहले हम इसे स्प्रिंग को इसके प्लेट में लॉक कर लेंगे इस तरह से, ये सीध में जाकर, और ये स्प्रिंग इसके प्लेट के घाटों में जाकर बैठता है ये इस तरह से, और ये अपने जगह पर चला गया है, बैठ गया है पूरी तरह से बिल्कुल। और ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में फ्री होनी चाहिए पुश करने के बाद। और अब हम एक एक करके सेट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर सारे बल्बों को। तो ये मेन कंट्रोल बल्ब है और इसे अपने सीट पे जाने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट और फ्री चलना चाहिए बिना किसी रुकावट के इस तरह से, इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर कचरा डस्ट आता है तो ये फंसता है और फंसने के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो इसे इस तरह से फ्री एकदम बिल्कुल होनी चाहिए। अगर ये किसी तरह से इसमें अगर रुकावट होती है तो इसे चेंज ही करना चाहिए, नहीं तो बार बार परेशान करते रहेगा। तो इस तरह से बिल्कुल फ्री है। और अब हम सबसे पहले इसमें लगाएंगे फेदरिंग बल्ब को, उसको अपने सीट पर बैठा देंगे। फेदरिंग बल्ब को लगा लेंगे सबसे पहले,
ये फेदरिंग वाल्व है, इस तरह से इसे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में इसके अपने सीट पर अच्छे से सीध में रखकर हल्के हल्के पुश करते हुए इसे अपने सीटों तक ले जाएंगे इस तरह से, और ये अपने जगह पर इस तरह से चला जाएगा। और ये स्प्रिंग को भी साथ में हमने डाल दिया, ये इस तरह से फ्री होनी चाहिए। और इसके बैक साइड में एक कैप लगा होता है, कैप को भी हम लगा लेंगे। ये बिल्कुल फ्री है, इस तरह से कैप को अच्छे से बैठा लेना है। ये बैठ गया बिल्कुल अपने सीट पे। और सेकेंड नंबर में अनलोड वाल्व को हम लगाएंगे इसके बाद। तो इस तरह से ये भी, इसे भी अपने सीट गैलरी में बैठा लेंगे। ये भी आसानी से अपने सीट पे जाना चाहिए बिना किसी रुकावट के, इस तरह से। और इसके बाद एक स्प्रिंग, इस तरह से स्प्रिंग को लगा लेंगे। और एक कैप, ये इस तरह से इसे भी पुश करके बैठा लेंगे इस जगह पे अपने सीटों पे। लेकिन ये स्प्रिंग ज़्यादा टेपर है, इसके कारण थोड़ा सा इसमें बैठने में परेशानी होगा, तो हमें हैमर की मदद से इसे हल्के हल्के चोट देकर ये फिर भी इस तरह से इसे हमें हाथों से ही पुश करना होगा। ये देखें, इस तरह से अपने सीटों पे फेस के बराबर हम बैठा लेंगे। और इसके बाद जो फेदरिंग वाल्व और अनलोडिंग वाल्व के कैप को हमने लगाया, उसके साथ एक प्लेट को लगा लेंगे, क्योंकि अगर हम प्लेट को नहीं लगाएंगे तो कैप बाहर भी आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम उसके पीछे कैपों को लगा लेंगे, ताकि अनलोड वाल्व और फेदरिंग वाल्व के कैप बाहर ना निकल सके। तो ये प्लेट है और इसे हमें सेंटर करना होता है, तो इसमें एक घाट बना होता है इस तरह का, जो डिस्ट्रीब्यूटर बॉडी के घाटों से मैच करना होता है। उसके सामने मैच करके इस प्लेट को लगाएंगे और सारे बोल्टों को सेंटर करके लगा लेंगे। तो इस तरह से ये प्लेट, और ये प्लेट को अगर हम उल्टा लगाएंगे तो इसका बोल्ट का सेंटर ही नहीं आएगा। तो हम इस प्लेट को इस डिस्ट्रीब्यूटर बॉडी फेस के कट से मैच करते हुए प्लेट को लगा लेंगे। देखें, जैसा कि ये इसका इस तरह से प्लेट लगाना है। ये डिस्ट्रीब्यूटर बॉडी फेस में एक कट है और प्लेट में एक कट है, ये दोनों एकदम बिल्कुल परफेक्ट आमने सामने मैच और सीध में होना चाहिए। इस तरह से रखकर और तीनों बोल्टों को सेंटर लाकर एक एक बोल्ट को फंसाएंगे इसके अंदर। इस तरह से सारे बोल्टों को फंसा लेंगे। और हम ये प्लेट और डिस्ट्रीब्यूटर के बॉडी के कट को जब तक मैच नहीं करेंगे, सीध में नहीं लाएंगे, तब तक ये तीनों बोल्ट का सेंटर आपस में मैच नहीं हो पाएगा और सेंटर नहीं आएगा। तो इस तरह से देखें एक बार फिर से, ये प्लेट और ये डिस्ट्रीब्यूटर बॉडी फेस का कट आमने सामने होनी चाहिए। तो अब हम इसके तीनों बोल्टों को टाइट कर लेंगे अच्छे से, इस तरह से एलंकी बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे तीनों को। और ये इस तरह से टाइट करने के बाद मेन कंट्रोल वाल्व को हम लगाएंगे। तो पहले इसे हमें टाइट करने के बाद इस तरह से फुल टाइट कर लेंगे अच्छे से बैठाकर, एक एक करके फुल टाइट करेंगे इसे तीनों बोल्ट को। और ये टाइट करने के बाद आगे हम फिर से कंट्रोल वाल्व को लगा लेंगे, इस तरह से फुल टाइट कर लेना है तीनों बोल्ट को।
और ये अनलोड वाल्व। और अब हम फेदरिंग वाल्व के स्प्रिंग को लगाएंगे, क्योंकि वो हमने बाहर निकाल लिया था, उससे निकाला था बाहर बैक साइड के प्लेट लगाते समय। ये फेदरिंग वाल्व स्प्रिंग है और इसके ऊपर एक कैप को लगा लेंगे। और ये स्प्रिंग कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, तो ये थोड़ा सा बैठाने में इस तरह से, ये तो बिल्कुल कैप सेम सेम बॉडी के फेस में बैठता है, लेकिन ये स्प्रिंग हार्ड होने के कारण ये इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा है। तो हम इसे मेन कंट्रोल वाल्व के साथ ही सेट कर लेंगे एक साथ में, ताकि उसके प्लेट से ये पुश होकर अपने जगह पर चला जाए, क्योंकि इसका स्प्रिंग ज़्यादा हार्ड है। तो कंट्रोल वाल्व को हम अपने गैलरी सीट में अच्छे से सीध में रखकर इस तरह से हल्के हल्के पुश करते हुए इसे बैठाते जाएंगे इस तरह से, और ये बिल्कुल अपने जगह पर आराम से चला जाएगा। और इस तरह से हम फेदरिंग वाल्व के साथ साथ कैप को भी प्रेस करते जाएंगे इस प्लेट से। तो हम अभी इस प्लेट के बोल्ट को लगा लेंगे और धीरे धीरे बोल्ट को टाइट करते जाएंगे, और सीध में रखते हुए बराबर बराबर टाइट करते जाएंगे, और ये फेदरिंग वाल्व कैप भी साथ में धीरे धीरे अपने जगह पर चला जाएगा। तो इस तरह से हमें तीनों बोल्टों को पहले सेट कर लेना है, लगा लेना है अपने अपने जगह पे। इस तरह से तीनों एलंकी बोल्ट को हम लगा लेंगे, और टूल्स से हम तीनों को एक बराबर में टाइट करते जाएंगे, और ये फेदरिंग वाल्व कैप धीरे धीरे इस तरह से अपने जगह पर खिसकता हुआ चला जाएगा इस प्लेट के कंप्रेस से। हम ये इस तरह से उसके कैप को सीध में रखकर और ये बोल्ट को, एलंकी बोल्ट को धीरे धीरे बराबर में टाइट करते जाएंगे, और ये कैप को सीध में रखते हुए ये इस तरह से हम इसे टाइट करेंगे, और ये प्लेट से कंप्रेस होकर धीरे धीरे फेदरिंग वाल्व कैप अपने जगह पर चला जाएगा प्लेट के सहारे। ये इसका स्प्रिंग ज़्यादा टेपर था, यानी कि ज़्यादा हार्ड था, इसीलिए हमने इसे इस कंट्रोल वाल्व के साथ में ही इसके प्लेट से कंप्रेस करके इसके अपने जगह पर बैठा लेंगे, क्योंकि हाथों से लगाने के बाद फिर से ये बाहर निकलने का डर था, क्योंकि इसका स्प्रिंग हार्ड था। तो हम इसे प्लेट के सहारे से इस तरह से हल्के हल्के बोल्टों को टाइट करते जाएंगे, और इस तरह से कंप्रेस होकर फेदरिंग वाल्व कैप आराम से अपने जगह पर चला जाएगा। तो ये धीरे धीरे हम बोल्ट को एक बराबर में टाइट करते जा रहे हैं, और ये देखें बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से ये फेदरिंग वाल्व कैप अपने जगह पर अपने सीट पे चला गया। अब हम इसके प्लेटों को, तीनों बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लेंगे फुल टाइट। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में पावर ट्रक 439 मॉडल के टू लीवर हाइड्रोलिक सिस्टम के डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग के बारे में जाना, और इसके बाकी के तीन वाल्व, चेक वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व और सिलेंडर सेफ्टी वाल्व, जो डिस्ट्रीब्यूटर से बाहर अलग कहीं सेट हैं, उसके बारे में मैं अलग से इस चैनल पर वीडियो बनाकर डाल दूँगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।